राम राम जी सारा ने, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे को नई वीडियो में। उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होप करूँ इंजॉय करोगे मेरी वीडियो ने, और वीडियो ने लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल ने सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अभी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। जो थंबनेल और कैप्शन आप देख कर ना यहाँ आए हो वीडियो देखकर, उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है, ना कोई झूठ है। जैसे मेरी पहली वीडियो बिल्कुल सच्ची हुई है, उन्हीं के ऊपर ये काम हुआ है। और मेरी वीडियो ने सबने बहुत ही ज्यादा पसंद है, सबने बहुत ही ज्यादा अच्छी लगा है, लाइक करा है, शेयर करा है, कमेंट भी करा है बहुत प्यारी प्यारी। और जो तो जैसे कि सबने पता है, देखा है कैप्शन और टाइटल, तो मैंने धमकी मिली है, बिल्कुल सच्ची मिली है कि तेरे घर आऊंगी, अपना एड्रेस दे, नाम दे, पता दे, सब कुछ दे। और धमकी पता किस तरह मिली है? एक जाने माने फेमस चेहरे था, जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, हरियाणा में बहुत ही ज्यादा फेमस है, हरियाणा बहुत ज्यादा लाइक करा जावा है वो, तो उस तरह मैंने धमकी मिली है। इसे धमकी कह लो, मैसेज कह लो, जो मर्जी कह लो, पहला मेरे उस पर कमेंट आई वीडियो पे कि आप कहाँ हो, प्लीज अपनी दीदी आप कहाँ से हो, अपना कोई कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। तो मैंने बोला कि मिसेज कौशिक, मैं यहाँ भी बता दूंगी, मैंने कोई किसी का डर नहीं है, ना मैं किसी तरह डर दी, ना मैं कोई झूठ बोल दी, ना मैं गलत कर दी, बस मेरी माता रानी जो करवाओगी वो ही मंजूर है। हमने तो जो भी वह मैंने राह दिखाओ हम तो उस पर चल रहे हैं। मैंने तो अपनी माता पर पूरा विश्वास है, माता जगदम्बे मैया रानी जो भी करेगी बिल्कुल सही और अच्छा करेगी मेरी जिंदगी में, बस उसने हमेशा अच्छा ही करा है। तो मैंने किसी तो कोई डर नहीं। मिसेज कौशिक 330 तो मेरी इंस्टा आईडी है, जो भी जाकर ना जिन्हें धमकी देनी है, मैसेज करने हैं, जो मर्जी कर लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा, ठीक है। तो वहीं तक एक प्यारा सा मैसेज आया मेरे पास, कल मैसेज आया मंगलवार ना, तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, मेरी दादी सास है जो थोड़ी सी सीरियस हो रही है, बहुत बीमार हो रही है, इस कारण मैं वीडियो भी रेगुलर नहीं बना पा रही, तो मैंने देखा भी नहीं है, घर में आते जाते रहे मेहमान, ये वो बिजी रहे, तो मैंने देखा नहीं मैसेज। तो मैंने शाम ने देखा, फिर मेरा एकदम होया कि हो गया, मैंने एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट, मैसेज देखा, तो वो मैसेज भाई चौंकी मैं, इतने स्पेशल बंदे ने मेरे तक मैसेज करा है, मतलब सॉरी। फिर मेरी एक फ्रेंड है बहुत खास, जो मैंने बहुत गाइड करा, बहुत सपोर्ट करा है, बहुत मोटिवेट करा है, अगर सब कुछ करा हुआ मेरे, ठीक है ना। और वो कोई नहीं है, सिर्फ मेरी जान पहचान की कुछ, सिर्फ मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मेरी पहला वीडियो बहुत ज्यादा पसंद करी थी, और उसने ही मेरे सपोर्ट करा कि ऐसे बनाओ, बहुत अच्छी आगे जाओगे, ये वो, कि बहुत अच्छा कंटेंट, मतलब अच्छा बोलते हो, मेन बात ये सच बोलते हो, ठीक है। तो उस तो मैंने बताया, उसने फिर मेरे तो मोटिवेट करा, उसने रिप्लाई करा, मैंने उससे बात करी, बात ऐसी चलती रही, फिर मैंने वहां भी रिप्लाई करा, वहां से अगेन फिर रिप्लाई आया कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, अपना एड्रेस दो, हम घर आवेंगे आपके, आपकी फैमिली आगे बैठ कर ना आपने एक्सपोज करेंगे, मोस्ट वेलकम, मेरे घर के दरवाजे तो खुले रहो हमेशा, आओ मेरी दादी तक मिलकर जाओ, बेचारी बहुत सीरियस हो रही है, ठीक है ना, 95-96 साल की है मेरी दादी सास, उस तक भी मिलकर जाइयो जरूर। और पहली बात बता दू, कौन यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर है ना, अपना सब्सक्राइबर तो है नहीं है मेरे, कौन अपना एड्रेस दिया करा, खुद कितने एड्रेस देवा वो बता दे मैंने, खुद कितना लोगों ने बला बला का ना वो करा है, खुद कितना वो करा है बता, कमेंट करा किस किस का एड्रेस पूछा है। मैंने वहां रिप्लाई दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो मैंने वीडियो ही बनानी जरूरी समझी, तो मैं वीडियो ही बना रही हूं। और सुन, पहली बात, मैं किसी धमकी तो नहीं डरती, रही धमकी केस करने की, मेरे जेठ जी वकील है, भाई साहब तो बात हो ली है, मैंने कुछ इनलीगल करा नहीं है, सब कुछ लीगल करा है, इलीगल करूंगी तो कार्रवाई होगी, जो मेरी माता रानी ने मंजूर नहीं, मैं कुछ भी गलत करूं वो सब कुछ अच्छा ही करवाओ मेरे पे, ठीक है, इस चीज से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैंने कुछ अपने पास तक बोला, ना मैंने कुछ गलत बोला, ना मैंने गाली गलौच करी, ना मैंने किसी की मान हानि करी, ना मैंने कुछ भी इसे अपने तौर पर मैनिपुलेट करके बोला कि जो उन्हें ना बताया मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर बात कर दू मैं सारी। तो बंदा मेरे ऊपर केस करता अच्छा लगा कि या तो मेरे तक गाली देवा है, या तो मेरे तो इतना गंदा बोला है, सबने तंग करके रखा है, तब बोलना बढ़िया लगा, हम पब्लिक है, ठीक है, हम आपकी वीडियो देखे हैं,
मतलब एक मेरे चैनल ना छोड़, उससे पहले मैं एक पब्लिक हूँ, आपकी वीडियो देखा है, आप मरते वीडियो दिखाओ हो कि यो चल रहा है यो चल रहा है। आप सोचो हमारी एक एक हर एक वीडियो पर मिलियन मिलियन व्यू आवे, कई कई लाख कमेंट आवे, लोग देखो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। कुछ अगर कमेंट ना करके अगर मैंने वो वीडियो बना दी तो उस तक क्या हो गया, वीडियो कमेंट करो तो उनकी तो कोई सुनवाई नहीं करता, उन्हें कोई वो नहीं करता, ठीक है। अगर मैंने वही वीडियो बना दी तो उससे क्या फर्क पड़ गया। एक्ट 191 के तहत इंडिया में हरेक नागरिक ने अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। खाली यूट्यूब पे अड़े बकवास कर नहीं करती मैं, नॉलेज भी है मन सब चीजा का, ठीक है। मैंने धमकी देगा कि आप वो करो हो दूसरा का यह करो हो ना, मैं किसी का कंटेंट आंदी, सब मैं अपने विचार रखू हूँ, जो मैंने बढ़िया लगा वो बोलू हूँ, जो मैंने बढ़िया नहीं लगता वो मैं नहीं बोल दी। और जब भी किसी ने दिक्कत है तो फिर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, धमकी के देवा कि तेरे घर आएगा वो करूंगा। कोई मैंने ऐसा बता दो यूट्यूब पर जो अपने घर का था लुक करना वीडियो बना देगा, कोई भी एक बता दो, घर कहना सब कुछ पता भाई, मेरी बेबे सब कुछ पता, घर कहना है घर कहना पता, जी भी तो वीडियो बनाऊ मैं, अगर उन्हें नहीं पता होगा मैं किस तरह वीडियो बना दूंगी, तेरे पति के आगे बात होगी। पति तो एक बात बता दूं, इस फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी है ना बेटी, थमने तो इतना भी नॉलेज नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। बहुत पल आता है वो तो इसी लाइन में है, आज प्रूफ भी दिखा दूंगी। सिर्फ ये छोटा सा चैनल नहीं हमारा, 3 मिलियन का चैनल हो रहा है, और वो दिखा दूंगी आज, जिसमें झूठ लगता मेरी थोड़ी सी मेहनत तो होगी, निकाल लूंगी उल्टा पैक करना पड़ेगा, वो भी दिखा दूंगी, सब्र रखो। जो मन ज्ञान देवे हैं कि यह चीज गलत है या चीज ठीक है तो उन ते मैं बताना चाहूंगा, मैं बिल्कुल प्यार ते बात करूं, प्यार ते मैं वीडियो बनाऊं, ना किसी ने गलत बोल दी, गलत तो बल्कि और दूसरे गंदे इंसान आया मेरी वीडियो पे कमेंट करें गंदी गंदी, जिन्हें मैं जानती भी नहीं पहचानती भी नहीं और जिन्हें मैं कुछ समझती भी नहीं, मैं अपनी वीडियो में किसी तक गाली नहीं देंदी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं, और मेन जो मैं पब्लिक कर रहा है दूसरा तक बतावे हैं वही चीज मैं बताऊं, उस तक अलग एक्स्ट्रा अपने पास तक एक भी पॉइंट झूठ बोला है तो मैंने बताओ, ठीक। दूसरी बात, घर के मैंने क्लियर कर दी, मैंने कोई डर नहीं है, घर के मेरे साथ है, मैं वीडियो बनाऊं उन्हें पता है, या कोई चोरी की बात नहीं है। खुद जब इंसान अपनी वीडियो पर दो दो तीन तीन मिलियन व्यू की आस कर रहा है, अगर दूसरे बना ला तो उससे क्यों हो जाए। जब कोई मूवी देख का वह ठीक है आकर है, पोस्ट भी डाला है, वीडियो भी बनावा है, मूवी के भी रिव्यू करा है, रोस्ट करा मूवी ने भी, या मूवी बढ़िया है या नहीं गलत है, जो 1 करोड़ रुपया लगाकर, एक एक तो बहुत कम है सॉरी, कई कई करोड़ लगाकर 100-100 करोड़ रुपया लगाकर ने मूवी बना दे है, लोग उनकी भी रोस्टिंग करते हैं, तो जो मूवी वाले हैं इतने बड़े बड़े हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर वे एक्टर, वे उनके घर राजा का ना कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर उनका एड्रेस ले लें, उनका फोन नंबर ले लें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वे 100-100 करोड़ रुपया लगाकर ना कुछ नहीं कर सकते, अगर हम 10 मिनट का व्लॉग बना दो हो और कोई थारे ऊपर ओपिनियन रख दे अपना, तो हम घर आकर कार्रवाई कर दोगे, माथे पे कुछ लिख रहा कौन मेरे, अगर मैंने कुछ पता कौन है, ठीक है नी, सब कुछ पता मैंने, उम्र वैसे तक थोड़ी हो लेकिन सीख बहुत है, कोटिल्ला देखा ना थोड़ी सी उम्र में भी इतना ज्ञान रखा है, तो अपना भी वही सिस्टम है, ना गलत बोलेंगे ना सहन करेंगे, खुद मैंने फील हो अगर दूसरे ने हर्ट नहीं होना चाहिए, जो बात सच्ची है फेस टू फेस कहोगे, ना किसी पीछे से चुगली करनी ना कुछ करना, रियल में भी वही नेचर है और यूट्यूब पे भी वही नेचर है। मोहरे जी सन टारगेट कर कौन अपनी व्यू लेवा, मेहनत तो कर रही है कर, मेहनत करना क्यों, थारी कौन सी मेहनत ना करो, अपने पैसे के चक्कर में करो, इनकम सोर्स अपना काम सब करे हैं, अगर कहीं जाकर जॉब करो मैं भी तो काम करा, ये भी थारा काम है, अपना काम करो थम यो, और पैसे खातर घर चलाने खातर इस हमारी खातर स्पेशल कौन सी मेहनत करो, लोगों पे थोड़ा शान है इस बात का, मेहनत करो, हमें मिला है, अगर यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे सारे चैनल बंद हो जाएंगे, कोई नहीं कुछ बनाने का, जब कुछ आवे नहीं घर चलाने खातर, ठीक है ना। तो इतनी तो समझ है मामने भी
के ठीक है और के गलत है, ठीक है। तो ना पता मैं कुछ लेऊंगी नहीं, और बिल्कुल मैं आराम से और बिल्कुल प्यार से बताने लग रही हूँ। मेरे तक स्पेशल मैसेज आया है, पर्सनल मैसेज करा अगले ने कि अपना नंबर दे दे, एड्रेस दे दे। नंबर एड्रेस मैं देंगी नहीं। अगर ऑनलाइन लड़ाई है तो ऑनलाइन लड़, मेरा नाम ले, मेरी गलती बता, यो गलत करा है तो मैंने मंजूर है, ठीक है। अगर पर्सनल घर आने की धमकी देगा, यो देगा, वो देगा, वो सहन नहीं होगी। लड़ना मैं यू नहीं सोचती। मैं मैंने मैंने बोल दिया साफ साफ, भाई मैं लड़ना नहीं चाहती, ना मैंने शौक है कॉन्ट्रोवर्सी मान का। सिर्फ मैंने ना मेरा उस टाइम कोई दिमाग था लड़ान का कि मैं ये टॉपिक उठाऊंगी तो ये वायरल हो जाएगा, ये उठाऊंगी तो ये वायरल हो जाएगा, नहीं। सिर्फ मैंने वो चीज अच्छी लगी, सच्ची लगी, बढ़िया लगी, तो मैंने लोगों के मन की बात बोल दी। जब लोग कमेंट कर सके हैं तो वीडियो भी बना सके हैं, ठीक है। तो ज्यादा कानून पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कानून के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं खुद बता दूंगी। घर में वकील भी है, कोर्ट में सब कुछ, हमारे जान पहचान भी है, घर के वकील हमारे, ठीक है। एड्रेस पूछा है, कहाँ की है, कहाँ की है, क्या करोगे, बहुत पूछा है कमेंट में, को थोड़ी देकर जाओगे सामने की। आएगी मेरी तो खा लिया मम ने तस्मर के गे, और लोग भी देख लिया होगा। मैं क्यों दूंगा एड्रेस, थम अपना एड्रेस दो, थर तो पूछू मैं थम कड़े को कड़े की नहीं, थारे कॉन्टेक्ट नंबर ले हूं मैं। कौन सा यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे अपने कॉन्टेक्ट नंबर देवे है, कौन से ना लिख रखे अपने फोन नंबर ले आओ भाई, सारा दिन फोन करो मारते है। मैंने बार बार मैं सेम बात रिपीट नहीं कर सकती। अगर दोबारा भी मेरे ऊपर कुछ इसी धमकी आई या मेरे फालतू केस करण की या कुछ भी धमकी दी, दोबारा मैं नाम और चैट सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ है मेरे पास। ना मैंने किसी तक गाली गलोच करी है, ना कुछ करी है, ना मेरे तक कानून पढ़ाने की जरूरत है। सब कुछ मैंने पता है कि यूट्यूब की रूल रेगुलेशन है और के वो है। एक स्ट्राइक आया, उसकी वीडियो मैं अगली बनाऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी, उसने भी समझाऊंगी जो उनसे खुद ने वो मानना है। जब इन्हें खुद की वीडियो पर व्यू लेने हो, कमेंट लेनी हो, जब तो ये इतने वो बन जाए, प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, वो करो, यो करो। मारे मामा फूफा के बेटे लागो थम, हम भी तो पब्लिक है। जब मामा थम हम थर तक कमा कर देने लग रहे, हम थारी देखा जब थारी कमाई आवा है तो थम मारते धमकी दोगे, अगर हम थोड़ा कुछ बोल देंगे तो। बहुत बढ़िया, सरकार पब्लिक तो चल रहा है, पब्लिक वोट दे जब सरकार चल रहा है। और आधी दुनिया मोदी तक बिगाड़ देवे, आधी दुनिया राहुल गांधी तक बिगाड़ देवे, आधी दुनिया दूसरी सरकार तक बिगाड़ देवे, आधे प्यार भी करे हैं। मोदी तो बड़ा तो कोई नहीं है ना, वो आकर उन गाली दे रहा है, पकड़ लगा वीडियो बना बना कर गाल देवे है, पकड़ लगा उन, उनके घर आ जाकर मारपीट कर देगा, क्या कर लगा उनके घर के आगे जाकर ना। तो यूट्यूबर भी पब्लिक की देन है, अगर पब्लिक चाहोगी तो चढ़ा देगी, पब्लिक चाहोगी घेर देगी, ठीक है ना। पब्लिक गेला ना पंगा लेना चाहिए ना। मैं किसी अगर मेरे पे कमेंट भी आवे ना, बिल्कुल ही पोलाइटली बिल्कुल प्यार से रिप्लाई करूं। मैं किसी ने गलत नहीं बोली, जिसकी जैसी सोच होगी, जिसके जैसे कर्म हो गए, वो अपने कर्म अपने आप, गंदी सोच अपने हिसाब से करेगा। मेरे तक गलत बोलने की कोई वो नहीं है, ठीक है। जहां जिस वीडियो में मेरी गलती लग है मैंने बता, यो गलत बोला, इस बारे में तने वो करा, मारा वो करा है, मारा कंटेंट लेवा है, सब कुछ पब्लिक कर रखा है, इसमें थारा के कंटेंट, अगर मैंने अपने रिव्यू दे दिया तो जी। जब तुमने सब कुछ पब्लिक कर दिया, सब कुछ पब्लिक तो बताने लग रहे, तुम सारी चीज वो करने लग रहे हो, मैं मन ने क्या अलग कर दिया। सिर्फ दुख इस बात का कि मारे नाम पे या व्यू के लेने क्यों लेने लग रही, जब मम थारता है इतने इतने नोट झप के देने लग रहे, हम इतने इतने व्यू देने लग रहे थारी वीडियो पे, तो अगर मामने थोड़ा सा थारा व्यूज कर लिया तो के घाटा गया, के वो हो गया। रही बात सॉरी मैं बताऊने की, वो बाद में बताऊंगी, अगर मेरे तो दोबारा होया तो फिर मैं बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरह लास्ट तो ऊपर तक करूंगी। ये सिर्फ मैंने ये बताना था, और जो बात मैं कर रही थी आपने दिखाऊंगी कि मारा गोल्ड बटन भी आ रहा, सिल्वर बटन भी आ रहा है, समझ गया। गोल्ड तो थारा लगाया भी नहीं होगा, तुम्हारा आ रहा है, तो मैंने तो सब कुछ पता भाई। मैं तो बिल्कुल आराम से बताऊं, ना मेरा कोई लड़ाई करने का मूड है। अगर लड़ाई करने पर आओगा तो आ जा, फिर आप डर देनी क्यों ना है, झूठ बोलने वाले क्या रोया करे, जो सच बोला करे वो डरिया नहीं करता, ठीक है। अगर लड़ाई तने यूट्यूब की लड़ाई यूट्यूब पे करनी है तो कर, सारे आम कर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिप्लाई देंगी, कभी बड़ी वाली रिप्लाई देंगी जो मैंने लागा है, ठीक है। और जो
ये फालतू के मेरे ऊपर कमेंट कर दे रहे हैं, कुछ खा ला कर मरण हो रही है वो नो यो कर दे रहो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक बात तो जो सिकल नहीं, इंसान का दिल और चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जो से घटिया कमेंट करे ना, इनका खुद का ना तो चरित्र होता, ना इनका शरीर होता, ना इनकी सिकल होती, समझ गए? तो मेरे तो फालतू के व्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पतो माता रानी का नाम लेगा, जो भी करें बढ़िया करें हैं, और जो भी करेंगे आगे भी अच्छा ही करेंगे। तो जिसने मेरे तो धमकी दी वो समझ गया होगा, इस वीडियो ने पहचान भी गया होगा कि किस तरीके कह रही है। मैंने बिल्कुल अच्छे से सारी बात क्लियर कर दी है, धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो बात गलत लगे वो कर, और हाँ ना मैं वीडियो डिलीट कर दी हूँ, नहीं कर दी मैं वीडियो डिलीट, नहीं कर दी, नहीं कर दी, नहीं कर दी। अगर मैं इज्जत से प्यार से बात करी तो खुद भी अगले ने प्यार से करनी चाहिए, गोरान की धमकी देने की। और एक और एड्रेस तो मैं कार्ड कर रहूंगा, जड़े मर्जी तक काटू कार्ड, एड्रेस कार्ड, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि कल ना अगर कुछ भी हुआ तो मैं दोबारा पहला ही बता सकूं कि हाँ ये मेरे गिल्ला होया था, ठीक है ना? एड्रेस कार्ड के क्या करवा देगा? चूड़ी पहन रखी है हमने, अगर मैं दिमाग नहीं, हमने कुछ नहीं बेरा, हमने ना कानून का बेरा ना कुछ बेरा, ठीक है? नहीं वहां ना सोचिए, जो चीज सोच रहा है बहुत ऊपर तक के खिलाड़ी हम भी, ठीक है? हाँ अगर मैं YouTube पाई हूं ना तो नू ना सोचा मैं कुछ नहीं और अभी वाला पागल हूँ, मैं भोग भाग के चली जाऊंगी, कोई कह देगा तो डर जाएगी, धमकी दे देगा तो वीडियो डिलीट कर देगी, ये कर देगी वो कर देगी, नहीं कर दी। जो गलत किया है उस पर बोल, फेर कर सकू कुछ, जब तक मैंने आप तक कुछ गाल नहीं दी हो, कुछ नहीं करा हो, जब तक नहीं मैं वो करूंगी और ना मैं देऊ, चाहे आप कितना ही गिर जाओ, मैं जिंदगी में कभी किसी तक गाल नहीं देऊंगी बिना मतलब के, अपने व्यू के चक्कर में, प्रॉमिस है इस बात का, मैं अपने व्यू के चक्कर में किसी तक गाल नहीं दूंगी, ठीक है? ये तो चलता रहोगा, अगर आगे तो फिर मेरा कुछ रिप्लाई होगा तो मैं फिर वीडियो बना दूंगी। अगर आप गैस करके बताइए कि कौन है वो जिसने मेरे तो धमकी दी है, जिसने मेरे तो मैसेज करे हैं, मेरा एड्रेस पूछने की, नंबर पूछने की, मेरे फैमिली मेंबर तक जाने की बात करी है, मेरे इस बैंड तक पर्सनल मिलने की बात करी है कि उन तक मिलने का ना अपना रोस्ट करेंगे फैमिली के आगे, वीडियो में कर ले, वीडियो में क्यों नहीं करता? वीडियो में अगर उसका चैनल का नाम ले दे तो इसका चैनल चिढ़ जाएगा, लोग इसका चैनल देखेंगे, ये होगा जलेवा, समझ गया? अगर हमने भी इतना जलेवा हो ना, हम भी अरे हमारे घर में 7-8 फोन है, 3-4 TV है, सारे वाईफाई ला रहे, यूट्यूब चल रहा है, हम भी सारे को बर बर करना, नेगेटिव कमेंट करा वो करा वो करा, वो होगा जलेवा? हम तो नहीं करते, हम तो अच्छा व्लॉग देखा आपके, लाइक भी करे, घर में बात भी करे, वो इतनी अच्छी है, वो फलाना नू है, ढिकड़ा नू है, तो ये होगा प्यार। जब पब्लिक आपने प्यार दे तो आपने पब्लिक से देना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि हमारा कंटेंट ठावे है, हमारे कंटेंट से व्यू लेवे है, अपनी खुद की मेहनत कर, यारे बैठ कर उनको बोलने में क्यों हुआ है? नहीं सुबह उठकर फोन करके बोलने में कौन सी मेहनत लग गए? मैं फोन दर का बोल दू, आप फोन ठहका बोल दू, बस इतना फर्क है। स्पेशल तो क्यों नहीं जानते, जो अपना काम करो लाइफ का वो ही दिखाओ, हो स्पेशल पर्सनल मारे कहीं तक आ जाओ, जब वो है मेहनत तो अपने काम में दिखाओ डेली, हमारे खातर थोड़ा कुछ हो करो, जो हमारे इतना शान दिखाओ है, तो कुछ मेहनत नहीं करती बैठ का वो क्यों करता? अगर कोई चीज मेरे फोन में होगी, मेरे टीवी में होगी, हमारे आगे होगी, तो हम तो अपना ओपिनियन रखेंगे, बस साफ और क्लियर बात है, जो हमारे आगे होगा हम तो रखेंगे। और दूसरे ने जिसने स्ट्राइक दी है ना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसने भी मैं देऊंगी जवाब, जो खुद इतना देवता बना है और दूसरे खातर देख, जब हम पब्लिक बने रहो जब तो अच्छे, अगर हम कुछ भी बोल दे जब फिर हम वो बुरे हो जाए, वाह जी वाह। चलो कोई नहीं, मैंने जो बताना था बता दिया, ये जो समझ में आया वो भी बता दिए, अगर आगे कुछ करना है तो वीडियो